उपमा बहुत ही स्पेशल है। मैंने नहीं, अब का वीडियो काम नहीं कर रहा, इसलिए छोड़ दिया। जल्दी बाहर निकल। नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गया है। हाँ पता है, मैं जा रही हूँ। और कितना देर तक सोएगी तू? मैं नहीं सोऊंगी, ये क्या कॉन्स्पिरेसी है, मुझे एकदम पकड़ के रखा है। निकल, दे दो, जल्दी निकल। नहीं रुक जा, मैं तेरी काम। ठीक है। ऐ अमर, बाथरूम में। गुड मॉर्निंग। आज है 10th जून। एक दिन हो गया है वैक्सीनेशन का। आज एकदम परफेक्ट है। कल थोड़ा सा सर भारी भारी लग रहा था इवनिंग के टाइम पे, थोड़ा सा हाथ में भी पेन अभी भी है, और बाकी कुछ प्रॉब्लम तो टचवुड अभी तक नहीं है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी उपमा। उपमा एक बहुत अच्छा, हेल्दी, टेस्टी और काफ़ी कम टाइम में बन जाता है और बहुत ही अच्छा रेसिपी है। तो चलो उपमा बनाते हैं। साउथ इंडिया में क्या है, उपमा बहुत ही स्पेशल है। मैंने यहाँ पे आके यहाँ के होटल्स में पहली बार उपमा खाया था और मुझे इतना पसंद आया था। अभी तो लॉकडाउन में कहीं पे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन वो वाला स्वाद मैं कोशिश करती हूँ घर पे लाने के लिए, और सब बोलते हैं बहुत अच्छा बना है। तो आइए आज आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ कुछ इन्ग्रीडियंट्स नहीं है, लाइक मटर नहीं है मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, बिना मटर के ही आज उपमा बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे है मेरे इंग्रेडिएंट्स, जैसे सूजी है, करी पत्ता है, राई है, यहाँ पे है गाजर और बीन्स चॉप करके बॉईल कर लिया था मैंने एक सिटी, और यहाँ पे है ऑनियन और ग्रीन चिली। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ ऑयल, वाइट ऑयल मैं डाल रही हूँ। आप घी में भी बना सकते हो, लेकिन अभी हेल्थ की वजह से घी मैंने थोड़ा स्किप कर दिया है। और इसके साथ इसको थोड़ा सा हिला के थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और डाल देंगे राई, और राई जब चटकने लगेगा उस टाइम पे मैं डाल दूंगी करी पत्ता, जो मुझे बहुत ही डर लगता है जब मैं डालती हूँ, छिटकना ही है मेरे हाथों में तो मैं भाग जाती हूँ डाल के ही। अब इसके बाद डाल दूंगी मैं चॉप्ड ऑनियन और ग्रीन चिली, मैंने बहुत ही बारीक काटा है, और भी बारीक आप काट सकते हो, क्योंकि मैंने जब होटल में खाया था तो ऐसा ही बारीक सा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। एकदम प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल उपमा आज मैं आपको सिखा रही हूँ। अभी मैं डाल दिया मैंने वेजीज, मटर तो मेरे पास है नहीं, मटर डालने से और भी अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद डाल देंगे एक कटोरी सूजी, जो हम तीनों के लिए इनफ है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, उसके हिसाब से आप सारी इन्ग्रीडियंट्स कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये है नमक, जो मैंने लिया है 2 टीस्पून, वो भी स्वाद अनुसार आप ले लेना। अभी इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है, जैसे हम सूजी को करते हैं, क्योंकि सूजी को अगर सूजी का जो कच्चापन रहता है ना, वो हट जाता है। और ये थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी मैं लूँगी जिस कटोरी में मैंने सूजी लिया था, वही कटोरी का 1.5 कटोरी पानी। मैं एकदम गला गला फैला हुआ सूजी उपमा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ना एक कटोरी शेप का सूजी अच्छा लगता है, और उसके लिए ये वाला मेजरमेंट बहुत अच्छा है। ऐसा जो नाप मैंने लिया है ना, वो अच्छा है, वही सही है। इसमें थोड़ा सा थिक रहता है, थोड़ा सा ग्रेवी वाला रहता है, और कटोरी का शेप आ जाता है बिल्कुल। मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा ये ड्राई ड्राई हो गया है। अभी इस टाइम पे मैं दे दूंगी घी, थोड़ा सा और हिला लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है, और अब मैं इसको कटोरी में डालूंगी और पूरा भर्ती करके एकदम लेवल कर दूंगी इसको। ये देखो एकदम लेवल कर दूंगी मैं, और बस प्लेट में निकाल लूंगी। मेरा पूरा लेवल हो गया है, ऊपर तक भर्ती कर दिया है मैंने। अभी इस बार उलट दूंगी, ये देखो कितना अच्छा बना है ना। और ये थोड़ा सा गार्निशिंग, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बना था खाने में, हर बार अच्छा बनता है। मेरे हस्बैंड तो फैन है उपमा का। चलो देख के आती हूँ उनको।
ना हेलो फ्रेंड्स, अभी ब्रेकफास्ट के बाद मैं तुरंत खाना बनाई, फिर उसके बाद ना मैं इतना बिजी हो गई थी, आज तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी। फिर हम ना मेरे नए वाले घर में गए थे, थोड़ा सा छोटा मोटा काम हुआ है वो देखने के लिए गए थे। आपके साथ थोड़ा सा एक क्लिप मैं शेयर कर दूँगी। अब इवनिंग का टाइम है और भूख भी लगा है, तो मैं जा रही हूँ किचन में। अरे देखो छुटकी क्या कर रही है, देखो छुटकू 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 क्या कर रही है देखो। आज बनाऊंगी बनाना पैनकेक, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। इसमें मुझे पेस्ट करना है और मैं लूँगी 3 बनाना, मेरे पास 3 ही बनाना है और जो भी थोड़ा काला काला हो गया है। तो बनाना पैनकेक जो है वो मैं पहली बार बना रही हूँ और मुझे पता ही नहीं था वो कैसा बनेगा, लेकिन मैंने बनाया, अपना अंदाज़ा लगाया, थोड़ा बहुत चीज़ें डाला इसमें, बनाना, शुगर, मिल्क, आटा और जो मैदा है ना उसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला। कम क्वांटिटी में बनाया मैंने, बस मुझे देखना था कैसा बनेगा, लेकिन सच बताओ बहुत अच्छा बना था। जिसको पसंद आना था उसको तो पसंद आ गया, मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा। वो एक्चुअली मीटिंग कर रहे थे उस टाइम पे खाए तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया मुझे लगा कि अच्छा ही लगा है उनको, इसको तो अच्छा ही लगेगा, उसको बहुत पसंद आता है ये सब चीज़। चलो मैं भी अभी खा लेती हूँ। मैं एक लेके आई हूँ मेरे लिए, क्योंकि मैंने बोला था मैं चीनी नहीं खाती हूँ, तो एक ही को मैं बहुत ही धीरे धीरे करके बहुत ही आराम से खा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं खाई जा रही हूँ, सबसे लास्ट में लेती हूँ, लेकिन आराम से खाती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा एक बहुत ही फेवरेट इयररिंग। देखो इसका स्टोन का कलर जो है ना, ये बहुत बहुत अच्छा है, ये कलर बहुत ही रेयर है, मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट दिया था। ऐसा एक और है वो मैं बाद में दिखाऊंगी, ये कितना सुंदर है ना, आप मुझे बताना ये कैसा है? में कैसा लग रहा है, देखो मुझे कैसा लग रहा है। तू भी क्यूट लग रही है बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा था, अगर ऐसे ही बनती तो है ना। हाँ, कार्टून कार्टून। जैसा कि मैंने बोला था, मंदिर का एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो है ये, कैसा लगा आप बताना। और अगर मेरे चैनल पे नए फ्रेंड है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।